नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारी एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों आज हम करेंगे स्कोडा कोशाक का कंप्लीट वॉकराउंड। एंड दोस्तों ये है आपकी इंडिया सेफेस्ट एसयूवी। अगर सेफ्टी की बात करें तो इस एसयूवी ने ग्लोबल एंकर टेस्ट में 5 में से 5 स्टार स्कोर किए हैं एडल्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी में। अभी आप जो वेरियंट देख रहे हैं ये है आपका स्टाइल लावा ब्लू एडिशन, 1.5 लीटर इंजन के साथ आता है। एंड एक्स शोरूम प्राइस की बात करें 17.99 लाख रुपीज़, ऑन रोड जाता है आपका 20.50 लाख रुपीज़। एंड आपकी ऑन रोड प्राइस दोस्तों वेरी कर सकती है स्टेट टू स्टेट ड्यू टू टैक्सेस। सो दोस्तों स्कोडा की जो रेंज स्टार्ट होती है वो होती है आपकी 10.90 लाख रुपीज़ से, एंड टॉप मॉडल जाता है आपका एक्स शोरूम 20 लाख रुपीज़ तक। स्कोडा कोशाक में दोस्तों आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला आता है आपका 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, दूसरा आएगा आपका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। एंड अगर इसमें ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको इसमें दोस्तों मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको DSG गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों अभी हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ASM स्कोडा में, जो कि आपका लोकेटेड सिपरीलिंग रोड पर। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर पहले बात करें अगर इसकी की तो आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको दोस्तों लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने का बटन देखने को मिलता है। प्लस आपको उसमें फ्लिप की देखने को मिल जाती है। दोनों ही की आपकी स्मार्ट की रहेंगी। पहले बात करें अगर इसके फ्रंट की तो आपको 1760 mm की चौड़ाई देखने को मिलती है। एंड वही आपको दोस्तों जो उसकी सिग्नेचर ग्रिल आती है स्कोडा की, वो आपको देखने को मिलती है क्रोम एलिमेंट प्लस ब्लैक ग्लॉसी एलिमेंट के साथ। बीच में दोस्तों आपको देख लीजिए स्कोडा का लोगो देखने को मिलता है क्रोम के साथ, जो बहुत ही शानदार लगता है। फ्रंट से गाड़ी काफ़ी मस्कुलर लगने लगती है। बाकी लाइट हेडअप की बात करें तो उसमें आपको DRLs वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एंड इसकी लाइट हेडअप बात करें तो आपको व्हाइट लाइट देखने को मिलती है। इंडिकेटर आपका हैलोजन बेस्ड है। नीचे फॉग लैंप की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। लोअर स्किड प्लेट आपको कुछ सबसे देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी शानदार लगती है। एंड अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 188 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। एंड फ्रंट से दोस्तों गाड़ी काफ़ी लुकिंग वाइज तो काफ़ी शानदार लगती है। ये है दोस्तों गाड़ी की साइड लुक्स। लेंथ आपको मिलती है 4225 mm, सब 4 मीटर कैटेगरी प्लस की कार है। एंड व्हील बेस की बात करें तो 2651 mm का इसमें आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, जो आपको फ्रंट में कंपनी ऑफर करती है। पहले बात करें अगर इसके अलॉय व्हील्स की तो देख लीजिए क्या ही आपको डिज़ाइनर अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। टायर साइज़ की बात करें 205/55R17 का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में कंपनी डिस्प्ले को ऑफर करती है, साथ में ब्लैक कलर की क्लैडिंग आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाती है। साइड फेंडर की बात करें तो आपको इसमें स्कोडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है क्रोम एलिमेंट के साथ, बहुत मस्त लगती है। साइड मिरर दोस्तों आपका बॉडी कलर मिलता है, देख लीजिए इसी में आपको मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर जो कि आते हैं LED में, बाकी आपके ऑटो फोल्डेबल एंड साथ में रहते हैं आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, ये देख लीजिए आपको कुछ इस टाइप से क्रोम एलिमेंट। एंड रूफ रिल्स की बात करें तो आपको प्रॉपर फंक्शनिंग रूफ रिल देखने को मिल जाती है। प्लस आपको मून रूफ या सन रूफ आपको देखने को मिल जाता है लावा ब्लू एडिशन में। ये है दोस्तों आपका फ्यूल लीड। इसको ओपन करते हैं तो देख लीजिए आपको पेट्रोल वेरियंट है, जो कि आपका सपोर्ट करता है E20 पेट्रोल। एंड आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल, एंड काफ़ी शानदार सी आपको उसमें बैक प्रोफाइल मिलने वाली है। और बात करें आपको क्या क्या चीज़ यहाँ मिलती है, पहले देख लीजिए यहाँ पर आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है। एंड वहीं कैमरे की बात करें तो यहाँ आप इसके प्लेसमेंट देख सकते हैं, नंबर प्लेट की पोजीशन, कोशाक की आपको बैजिंग मिलने वाली है प्लस TSI की बैजिंग। 3 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में आपको कंपनी ऑफर करती है। बाकी बात करें अगर इसके ग्लास में तो यहाँ देख लीजिए आपको वाइपर साथ में आपको मिलता है, डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लाइट, ऊपर आपको मिलता है सार्फिन एंटीना। एंड वहीं टेल लाइट सेक्शन की बात करें काफ़ी शानदार सा आपको इसमें टेल लाइट सेक्शन मिलने वाला है। ये रहा आपके रिवर्स पार्किंग लाइट, प्लस टर्न इंडिकेटर की बात करें तो वो आपको मिल जाता है हैलोजन बेस्ड, यानी गाड़ी बैक से तो कंप्लीट है। जो जो आपको फीचर चाहिए वो सारे आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे, प्लस आपको इसमें सेफ्टी भी 5 स्टार मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं अगर इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ से जस्ट प्रेस करना है, कुछ इस टाइप से ओपन होता है। बाकी यहाँ आपको देखा है ग्रैब हैंडल एंड कुछ यूनिक स्टाइल का है। बाकी आप देख लीजिए आपको पहले मिलती है पार्सल ट्रे, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है। एंड क्वालिटी की बात करें काफ़ी शानदार क्वालिटी आपको इसमें मिलने वाली है। अब आते हैं दोस्तों इसके बूट स्पेस में, आपके सामने इसका बूट स्पेस है। एंड बात करें तो 385 लीटर का करीब इसमें आपको बूट स्पेस मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा है। एंड अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो थोड़े बहुत आपको इसमें डेप्थ देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें आपके 3-4 बैग तो ईजिली आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है। यहाँ की तरह बात करें तो यहाँ आपको लाइट की प्लेसमेंट मिलने वाली है।
एंड और बाकी चीज़ बात करें तो यहाँ पर आपको हुक्स वगैरह मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं अगर इसकी स्टेपनी व्हील की, तो चलिए वो भी चेक करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप जैसे दोस्तों, यह है आपका स्टेपनी व्हील, बीच में आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है एंड टायर साइज आपको मिलता है 205/55R16 का स्टेयर व्हील रिम के साथ। चलिए बंद करते हैं इसको। ड्राइवर साइड डोर की बात करें, डोर हैंडल में आपको क्रोम के एलिमेंट प्लस रुका सेंसर। ओपन करते हैं, यह है आपका डोर पैनल जो कि आपके बेज एंड ब्लैक कलर का है, ड्यूअल टोन में मिलने वाला है। यह आपका सॉफ्ट टच, ये आपका बाकी हार्ड प्लास्टिक का इसमें यूज़ मिलने वाला है। यहीं आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि आपके वन टच डाउन एंड वन टच अप है। बाकी मिरर साइड करने के कंट्रोल, चाइल्ड लॉक, स्पीकर की प्लेसमेंट एंड साथ में बोटल स्पेस आपको मिलने वाला है। सीट हाइट की बात करें तो आपको मैनुअली सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको सारा इसमें दे रखा है कि आपको कितना कितना प्रेशर टायरों पे फिलअप करवाना है। ये दोस्तों आपका रहेगा मैनुअल वेरिएंट टॉप में एंड ये देख लीजिए पूरा आपको बेज कलर का मिलता है। बाकी लाइट्स के कंट्रोल यहाँ मिलते हैं, हेडलाइट लेवल आपको यहाँ मिल जाएगा एंड ये है आपके एसी वेंट। बाकी काफ़ी शानदार आपको इसमें एसी वेंट देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक का एलिमेंट मिलता है प्लस पर्ल इसमें आपको एलिमेंट देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये है गाड़ी का इंटीरियर। इंटीरियर की बात करें तो आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलने वाला है, साथ में आपको बेज कलर का थोड़ा बहुत एलिमेंट भी दिखने वाले इस गाड़ी में। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर एंड काफ़ी शानदार एंड प्रीमियम सा आपको इसमें इंटीरियर मिलने वाला है। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको राउंड शेप प्लस टू स्पोक एंड देख लीजिए आपको लेदरेट वर्क देखने को मिलने वाला है। लेफ्ट साइड की बात करें वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाते हैं दोस्तों, बड़े काफ़ी यूनिक स्टाइल के एंड काफ़ी अच्छे लग रहे हैं प्रीमियम। राइट साइड की बात करें आपको यहाँ क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को मिलने वाला है। बाकी स्टीयरिंग दोस्तों आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों मिलने वाला है, बहुत शानदार। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों गाड़ी में देना। प्लस यहाँ पर बात करें तो आपको वाइपर कंट्रोल मिलने वाले हैं एंड इधर की बात करें आपको टर्न इंडिकेटर कंट्रोल्स आपको मिलने वाले हैं। ये है दोस्तों गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देख लीजिए बहुत ही शानदार सा आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है जो कि आपका डिजिटल है। एंड अगर इसके बात करें मोड्स की तो यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी सारे आपको इसमें मोड्स मिलने वाले हैं एंड बहुत ही शानदार आपको मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है जो कि आपका पूरा डिजिटल है। ऊपर आपको दोस्तों हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिल जाएगा एंड अब आते हैं इसके सेंटर डैशबोर्ड पे, जो आपको इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है वो आपको मिलती है 8 इंच की दोस्तों, जो कि आपका सपोर्ट करेगी एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले वायरलेसली। बाकी काफ़ी सारी इसमें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ये वाले पार्ट की बात करें ये आपको टेक्स्चर्ड में मिलने वाला है, काफ़ी शानदार लगता है। बाकी ये आपका ग्लॉसी पर्ल ब्लैक आपको पार्ट मिलने वाला है, साथ में स्कोडा की बैजिंग। ये वाला आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़, नीचे आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट। प्लस और बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको जो एसी मिलता है वो आपको मिलेगा ऑटोमेटिक, साथ में यहाँ आपको मिलता है हजार्ड का बटन लॉक करने के लिए एंड फ्रंट की आपकी दोनों सीट वेंटिलेटेड है। प्लस ये मिलता है आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन। ये जो आप यहाँ पर पैनल देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका टच पैनल देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको यहाँ मिलता है वायरलेस चार्जर, 2 USB टाइप के चार्जिंग पोर्ट। बात करें यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 6 स्पीड आपका मैनुअल वेरियंट रहता है, मैनुअल हैंड ब्रेक एंड आर्म रेस्ट की बात करें तो आपको देख लीजिए स्लाइडेबल आर्मरेस्ट एंड ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा। बाकी 2 कप ग्लास होल्डर एंड ये देखिए सीट, सीट की दोस्तों जो उसमें कलर है मतलब आपको टोन दिया गया है, ड्यूअल टोन दिया गया है, एक आपका ग्रे कलर दूसरा आपका ब्लैक कलर एंड दोस्तों आपकी वेंटिलेटेड सीट है। बाकी कुशनिंग एंड कम्फर्ट इस सीट की बहुत अच्छी है और यही सब कुछ दोस्तों आपके उसके डैशबोर्ड में मिलने वाला है। बाकी दोस्तों बात करें इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन देखने को कहाँ मिलता है, तो उसकी प्लेसमेंट दोस्तों कुछ यूनिक तरीके से यहाँ की तरफ की गई है। एंड ये है दोस्तों आपका रियर व्यू मिरर जो कि आपका रहता है ऑटोमेटिक। बाकी सन वाइजर की बात करें क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड पैसेंजर साइड की बात करें यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लाइट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बाकी आपको रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाती है वाइट कलर में एंड मेन चीज़ दोस्तों इस गाड़ी में जो आपको मिलती है वो है इसकी सनरूफ, जो कि आपकी कुछ इस टाइप से वर्किंग है, बढ़िया तरीके से काम करती है एंड काफ़ी मतलब ठीक ठाक साइज़ में आपको इसकी सनरूफ देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों ये है आपका इंटीरियर एंड कैसा लगा आपको इसका इंटीरियर प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। ये है दोस्तों आपका पीछे वाला डोर पैनल, बाकी बात करें जो कि आपका ड्यूअल टोन में मिलता है बेज एंड ब्लैक कलर का एंड काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बाकी ये आपका सॉफ्ट टच मिलने वाला है, पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर ओपनर एंड स्पीकर की प्लेसमेंट प्लस बोटल स्पेस आपको यही सब कुछ मिलने वाला है। सो अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड वहीं बैठ के बात करेंगे अब। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूं एंड पहले बात करें दोस्तों जो इसका इंटीरियर है ना काफ़ी प्रीमियम सा आपको इसमें इंटीरियर मिलने वाला है
एंड वहीं बात करें कि रियर वाले पैसेंजर को क्या क्या इसमें फैसिलिटी दर देखने को मिल जाती है। पहले दोस्तों आप देख लीजिए आपका नी रूम काफ़ी बड़ा आपको उसमें नी रूम मिलने वाला है एंड थाई सपोर्ट दोस्तों इस गाड़ी का बहुत ही शानदार है। बाकी बात करें यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट, नीचे आपको दो सी टाइप के फास्ट चार्जर मिलने वाले हैं एंड यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर मिलने वाला है सीट के पीछे दोनों साइड। बाकी इंटीरियर दोस्तों आपके सामने काफ़ी आपका प्रीमियम इसमें इंटीरियर मिलने वाला है। अगर दोस्तों सीट की बात करें जो रियर वाली सीट है ये आपको 60-40 में स्प्लिट मिलने वाली है एंड बात करें दोस्तों काफ़ी प्रीमियम आपको सीट मिलने वाली है। बीच में आपको मिलता है आर्मरेस्ट जिसमें आपको 2 कप ग्लास होल्डर मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करें तो आपको 2 आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट सीट मिलने वाली है एंड जो आपको इसमें लेदरेट सीट मिलने वाली है ड्यूअल टोन की, एक आपका ब्लैक कलर दूसरा आपका ग्रे कलर में एंड आपको परफोरेटेड सीट मिलने वाली है। बाकी इसमें आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, मिडिल पैसेंजर को भी हेडरेस्ट मिलेगा। पीछे आपको पार्सल ट्रे मिलती है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको दोस्तों रीडिंग लैंप्स वगैरह मिलने वाले हैं एंड ग्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको फास्ट ग्रैब हैंडल मिलते हैं, सॉफ्ट ग्रैब हैंडल आपको देखने को नहीं मिलते बट आपको इसमें कम्प्लीट तरीके से हाइड कर दिया गया है। सो दोस्तों इंटीरियर में काफ़ी अच्छा एंड सीट की बात करें तो सीट आपको काफ़ी शानदार मिलने वाली है। रिक्लाइन एंगल की बात करें एंड कम्फर्ट की बात करें तो बहुत ही शानदार आपको दोनों चीज़ मिलने वाली है। सो दोस्तों ये है इस गाड़ी का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड। आपको दोस्तों कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दोस्तों बात करें अगर इसके इंजन बे की तो देख लीजिए आपको कुछ इस टाइप से इसमें इंजन बे देखने को मिलने वाला है जो कि आपका दोस्तों 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन है। अगर इसके पावर फिगर की बात करें तो 148 bhp 250 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको प्रोड्यूस करके देती है। बाकी बोनट में आपको इंसुलेशन देखने को नहीं मिलता है एंड इसकी बात करें अगर काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको इसमें इंजन बे देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों ये थी आपकी स्कोडा कोशाक स्टाइल 1.5 लीटर लावा ब्लू एडिशन एंड इसका हमने किया आज कंप्लीट वॉकराउंड एंड डिटेल रिव्यू। सो 20.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद दोस्तों आपको इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं ये सब हमने कवर किया आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।